हाय गोदावरी किचन में आप सब लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं मिक्स वेज बेसन का चिल्ला बनाने जा रही हूँ। हमने 1.5 कप बेसन लिया है, दो टमाटर है उसको हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है, 1 ठो शिमला मिर्च है उसको भी छोटे छोटे टुकड़ा में काट लिए हैं, 1/2 कटोरी गाजर है इसको पीस के हम डाल रहे हैं, 1 प्याज है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ा करके डाल रहे हैं, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चिमटी हींग है, 1 चम्मच नमक है स्वाद के अनुसार, 1/4 चम्मच अजवाइन है और 1/4 चम्मच जीरा पाउडर है और थोड़ा सा धनिया पत्ती काट के डाल रहे हैं। इसको हम अच्छे से पहले मिला लेते हैं हाथ से। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के अच्छा से मिलाएंगे और बेसन में कोई गांठ ना पड़े वैसे हम थोड़ा गाढ़ा बेटर बनाएंगे, जैसे उत्पम बनाते हैं वैसे। बाकी एक साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हमारा बेटर ऐसे होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना गाढ़ा, बस ऐसे ही है रहना है बेटर को। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देते हैं। 10 मिनट हो गया है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। और अब हम गैस जला ले रहे हैं और आंच मध्यम रखेंगे, तावा चढ़ा दिए हैं। तावा हमारा गर्म हो गया है, तावा हमारा गर्म हो गया है, इसको हम तेल से थोड़ा लगा लेते हैं और 1 कलसी बेटर को पकड़ेंगे और फैलाते हुए डालेंगे। और थोड़ा सा ऐसे 1 बूंद डाल देते हैं और इसको हम ढक्कन ढक के 2-3 मिनट के लिए रख देते हैं। हम ढक्कन खोल के देख लेते हैं और ये हम अब इसको पलटा देते हैं। अब हम और एक बार पलटा लेते हैं। इसमें सब सारे सब्जियां डाले हैं तो इसे थोड़ा मोटा ही बनेगा चीला हमारा उत्तरा। दोनों तरफ हमको अच्छा से पलट पलट के सेक देना है ताकि अंदर तक अच्छा से पक जाए। हमारा चीला पक गया है, अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम 1 कलसी और लेंगे, फिर अब हम इसको फैलाते हुए थोड़ा सा डालेंगे। हमारा ये भी चीला पक गया है, इसको निकाल देते हैं और थोड़ा सा हम तेल से और ग्रीस कर लेंगे। फिर हम बेटर डालेंगे। इसी तरह सारे चीला को हम बना लेते हैं। हमारा मिक्स वेज बेसन का चीला बनके तैयार है। इसको हरी चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ या टमाटो केचप के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये सारी सब्जी मिला है इसलिए बहुत हेल्दी है और बनाते समय थोड़ा ध्यान देना है, कम आँच में बनाइएगा और अलट पलट के अच्छा से सेकना चाहिए। अगर बीच में तेज आँच से बनाएंगे तो बीच का भाग पका नहीं रहता है, नीचे और ऊपर का पक जाता है तो उसमें स्वाद अच्छा नहीं लगता है। बनाइएगा, खाइएगा और अपना अनुभव मेरे गोदावरी किचन में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।